दरअसल साल Xiaomi फोन पे फोन लॉन्च किया जा रहा है और इसी के साथ अब tana.com पे Xiaomi के एक और फोन को स्पॉट किया गया है जिसका नाम है Xiaomi Redmi 6 Plus। तो कब ये फोन इंडिया में आ सकता है, किस प्राइस पे आएगा और मेनली किस स्पेसिफिकेशंस के साथ ये फोन लॉन्च किया जाएगा Xiaomi के द्वारा, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इन। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और अगर आपको आगे जाके वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम Redmi 6 Plus के स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो इस फोन में आपको 5.84 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी विद 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो, और इसमें आपको टॉप में एक नॉच भी देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये फोन कौन से रैम वेरिएंट्स में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो Tana लिस्टिंग अकॉर्डिंग इस फोन में आपको 3 रैम वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे, 2GB, 3GB और 4GB। और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 2GB वाले रैम के साथ 16GB, फिर 3GB रैम के साथ 32GB, और देन 4GB रैम वाले मॉडल के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करें दोनों ही फोन के प्रोसेसर्स की, तो Tana लिस्टिंग के अकॉर्डिंग इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि MediaTek का P10 भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि Xiaomi इंडिया में MediaTek के प्रोसेसर नहीं यूज़ कर सकता, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर चाइना में ये फोन लॉन्च होता है तो वहाँ पे MediaTek Helio P10 का प्रोसेसर लॉन्च किया जाएगा, इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। अब बात करें इस फोन के कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में, तो इस फोन में आपको बैक में डबल कैमरा, डबल वर्टिकल अरेंजमेंट में कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से एक सेंसर होगा 12 मेगापिक्सल का और जो दूसरे वाला सेंसर होगा वो होगा 5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो भी आपको 5 मेगापिक्सल का ही देखने के लिए मिलेगा। सेंसर्स की बात करें तो उसमें आपको ऑलमोस्ट सभी सेंसर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के लिए मिलेगा और फेस अनलॉक भी देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें बैटरी की, तो इस फोन में आपको 4000 मिलियन पावर की मैसिव बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करें कि ये फोन इंडिया में कब लॉन्च हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये फोन इंडिया में अगस्त के एंड में लॉन्च हो सकता है। बाकी मैं आपको बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकता कि ये फोन एक्चुअल में कब इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगस्त के एंड में ये फोन लॉन्च हो सकता है। और बात करें प्राइसिंग की, तो अगर ये फोन स्नैपड्रैगन 625 के साथ ही आता है, जो कि Xiaomi का फेवरेट प्रोसेसर है, तो मेरे अकॉर्डिंग इस फोन की प्राइसिंग होगी लगभग 10,000 तक उसका जो 3GB वाला वेरियंट वो जा सकता है। और कुछ सोर्सेज पे ये भी बताया जा रहा है कि इस फोन में स्नैपड्रैगन 660 आ सकता है। तो अगर Xiaomi इस Redmi 6 Plus में स्नैपड्रैगन 660 यूज़ करता है तो हो सकता है कि इस फोन की प्राइसिंग 1-2 हज़ार थोड़ी ऊपर भी चली जाए। तो गाइस हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट्स में बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। एंड नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन।